तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो एक तो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया इंडिविजुअल का, एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है HEF, AOP, BOI, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सर, अब जो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ ना, वो हमारा कंपनी का है। और सर ध्यान रहा, आपके एग्जाम में जिनके भी एग्जाम, चाहे वो जून 20 में है, चाहे आपके एग्जाम दिसंबर 20 में है, 200% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। अच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी वाले केस में जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा पोयम। पोयम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और उस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की ना गवर्नमेंट ने अब गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, और वो सारी कैलकुलेशन जो होगी वो सारी अब उसके बेस पे होगी। और आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा वो पोयम हमें निकालनी कैसे है। तो सिंपल सी बात, ये बात कह रहा हूँ, अगर आपने एग्जीक्यूटिव में ध्यान आ रहा हो, तो एग्जीक्यूटिव में भी मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके अंदर भी बनता है। और अगर मैं आपके प्रोफेशनल लेवल की बात करूंगा, तो 200% श्योर हूं कि क्वेश्चन यहां पर भी बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, आपके एग्जाम में आप चेक करना सर, आपके मॉड्यूल में ना इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि पोयम कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में यहां पर आएगा। तो आपके एग्जाम में, और याद करो एग्जीक्यूटिव में जब आपने पढ़ा होगा, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि कॉन्सेप्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपके एमसीक्यूज बेस के अंदर ये क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। अच्छा अब सुना ध्यान से, बच्चा ये बात कहता है कि सर नॉर्मली हमने ना कंपनी वाले केस में ना ये पढ़ा था, जो हमें याद आ रहा है कि एक कंपनी की कैटेगरी दो तरह की होती है, कि अगर कोई कंपनी इंडियन है तो आपने हमें कहा था रेजिडेंट होती है, और फॉरेन कंपनी वाले केस में आपने कहा था आप चेक करोगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में होगा तो वो आर बनेगी, अगर पोयम उसकी बाहर होगी तो वो एनआर बनेगी। आपने सारे कॉन्सेप्ट हमें समझाए थे, तो जो हमने कॉन्सेप्ट उस टाइम पढ़े थे, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट आज भी सेम है? सर कॉन्सेप्ट आज भी सेम है, बट यहाँ पर पोयम की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, और वो गाइडलाइंस जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है ना, वही सेम अब एग्जीक्यूटिव के अंदर भी एप्लीकेबल है, मतलब दोनों के अंदर भी कॉन्सेप्ट सेम हो चुका है। अब सुना ध्यान से, प्लीज बातचीत नहीं करनी क्लास में, एक बार पहले समझेंगे, वन बाय वन दिखाऊंगा गाइडलाइंस यहाँ पर सारी दिखाऊंगा, और वन बाय वन हर वर्ड को एनालाइज करेंगे भैया कॉन्सेप्ट आया क्या है, और प्लीज बातचीत क्लास में नहीं होगी जी। अब इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ सर, एक बात मैंने सोच के बताओ, अब अगर मैं कंपनी के स्टेटस की बात करूंगा ना, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी होगी भैया, फिर तो हमेशा रेजिडेंट है। इट मींस अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, उसकी पोयम चाहे इंडिया में है, पोयम चाहे बाहर है, कंट्रोल चाहे इंडिया में है, कंट्रोल चाहे बाहर है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया भैया इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट बनेगी। इट मींस अगर क्वेश्चन इंडियन कंपनी का बनेगा ना, तो आंखें बंद करके आएगा रेजिडेंट आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक कंपनी इंडियन कंपनी है, पोयम अगर इंडिया में है तो भी रेजिडेंट बनेगी, पोयम बाहर है तो भी वो आर बनेगी, कंट्रोल इंडिया में है तो भी वो आर बनेगी, कंट्रोल बाहर होगा तो भी वो आर बनेगी। पोयम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली बात तो ये। सेकेंड फिर यहां पर निकल कह रहे कि अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है उसकी अगर पोयम इंडिया में होगी फिर तो बनेगी रेजिडेंट, और अगर पोयम इंडिया से बाहर होगी ना फिर वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, इधर सुना ध्यान से, अब अगर मैं आज से 4 साल पहले की बात करता हूं ना, इट मींस ये लगा लो 2015 के बजट से पहले, 2015 के बजट से पहले ना कंपनी वाले केस में कॉन्सेप्ट पता क्या था, जो सेम कॉन्सेप्ट हमने HEF वाला किया ना, वही सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता था। इट मींस कंपनी वाले केस में गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि भैया अगर कोई कंपनी इंडियन है तो वो बनेगी रेजिडेंट, अगर कोई कंपनी फॉरेन होगी और उस फॉरेन कंपनी का सारा कंट्रोल अगर इंडिया में होगा तो रेजिडेंट बनेगी, अदरवाइज वो एनआर बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम था कंपनी वाले फॉरेन कंपनी वाले केस में। अच्छा जब वो कॉन्सेप्ट था ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती थी, उसके अंदर लिखा था कि फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट सिर्फ तब बन पाएगी अगर सारा कंट्रोल इंडिया में होगा तो रेजिडेंट बनेगी, नहीं तो वो कंपनी क्या मान ली जाएगी, एनआर मान ली जाएगी। अब सोच के बोला सर, उस टाइम वो कंपनी पता क्या करती थी, कंपनी ये बात करती थी सारी बोर्ड मीटिंग उसने क्या की, इंडिया में की, एक बोर्ड मीटिंग सिर्फ बाहर कर दी, और जब बोर्ड मीटिंग बाहर की तो उसने क्या बोला, मेरा कुछ कंट्रोल बाहर है, सारा कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो मैं एनआर बनूंगी। और आप सब जानते हो एनआर की टैक्सेबिलिटी इंडिया में कम होती है। इट मींस इंडिया में जितनी फॉरेन कंपनी काम करती थी, जितनी फॉरेन कंपनी काम करती थी ना, सारी क्या बनती थी, एनआर। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बोर्ड मीटिंग बाहर की, वो वहां पर कंट्रोल बाहर हो गया तो एनआर बन गई। अब जब गवर्नमेंट को यह लगा भैया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में कंपनी क्या कर रही है, टैक्स की अवॉइडेंस कर रही है, अवॉइडेंस कैसे कर रही है, मीटिंग बाहर करती है, मीटिंग बाहर करेगी तो भैया उसका कंट्रोल बाहर जाएगा, कंट्रोल बाहर जाएगा तो एनआर बनेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी उस हिसाब से आती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को डिलीट करके ना एक नया कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया उस टाइम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इट मींस गवर्नमेंट ने बोला भैया अगर फॉरेन कंपनी की पोयम अगर इंडिया में होगी तो आर बन जाएगी, अगर पोयम बाहर होगी तो एनआर बन जाएगी। अब सुना ध्यान से, जब ये कॉन्सेप्ट आया उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई,
अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब पोयम कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया था ना, तो गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीनिंग बताया कि भैया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम किसे बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन पूरी बता दी। उस डेफिनेशन को बताने के बाद ही मार्केट में काफी सारी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया अगर मुझे किसी फॉरेन कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट निकालनी है तो मुझे कैसे पता लगेगा उसकी पोयम इंडिया में, कैसे पता लगेगा पोयम बाहर है। अब स्टार्टिंग में क्या था, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू नहीं की थी, लोग अपने व्यूज लेते थे, हाई कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सर्कुलर इशू कर दिया जिसमें यह बोल दिया कि भैया पोयम की गाइडलाइंस जो होंगी ना वो ये वाली होंगी। इट मीन्स अगर तुम्हें किसी फॉरेन कंपनी का पोयम निकालना है, ये हमारी गाइडलाइंस है, इसके बेस पर तुम पोयम निकालोगे और फिर चेक करोगे वो कंपनी का स्टेटस क्या है। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर, अब ये सारी की सारी गाइडलाइंस मैंने आपकी बुक में दी हुई है सर, ये देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास नोट्स हैं, आपने वहां से चेक करना है, अगर नोट्स जिन बच्चों के पास नहीं है वो यहाँ से डायरेक्टली अगर देखेंगे तो सारी बातें वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक बार चेक करना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर नंबर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, उसकी डेट मैंने यहाँ पर दी है, और एक बार हेडिंग बोला क्या लिखी हुई है, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इट मीन्स अगर आपको पोयम निकालनी है उसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होंगे, गवर्नमेंट ने सर्कुलर के अंदर बता दिया। और इस सर्कुलर का ना पहला पैराग्राफ ना वही सेम बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है, कि पहले क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, फिर गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट कौन सा सेंड किया, वो सारी बातें पहले पैराग्राफ में है। तो एक बार दो मिनट के अंदर फटाफट से रीड करो क्या लिखा हुआ है, देखो वो कह रहे हैं सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रायर टू इट्स अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 15 प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, मतलब या तो वो कंपनी इंडियन है वो रेजिडेंट तब बनेगी, और इफ ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया, मतलब या तो कंपनी इंडियन है रेजिडेंट तब बनेगी, या कोई ऐसी कंपनी जो इंडियन नहीं है उसके सारे कंट्रोल अगर इंडिया में हो गए ना फिर वो रेजिडेंट बनेगी। और सोच के बोला, मैंने क्या बोला था, कुछ बोर्ड मीटिंग वो बाहर करती थी, कंट्रोल उसके बाहर हो गए, यहां से वो बाहर हो गई, वो कंपनी बन गई एनआर, लोग ये टैक्स की अवॉइडेंस करते थे उस टाइम। देखो गवर्नमेंट ने आगे क्या लिखा है, दिस अलाउड टैक्स अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी टू आर्टिफिशियली एस्केप द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर दिस प्रोविजन बाय शिफ्टिंग इनसिग्निफिकेंट और इसोलेटेड इवेंट रिलेटेड विद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया टू एड्रेस, इसलिए दिस कंसर्न द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अमेंडेड वाइड फाइनेंस एक्ट 15, ये अमेंडमेंट कब आई है, फाइनेंस एक्ट 15 के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 16 टू प्रोवाइड। अब प्रोवाइड क्या कर दी है, दैट ए कंपनी इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ, या तो वो कंपनी इंडियन हो, वो पहले भी सेम था आज भी सेम है, अगर कोई कंपनी इंडियन है पहले भी रेजिडेंट थी आज भी रेजिडेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। सेकेंड वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी इंडियन नहीं है तो उसने क्या बोला, और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। इट मीन्स अगर वो कंपनी, यहां सुना सर, अगर वो कंपनी इंडियन है फिर तो रेजिडेंट है, अगर वो कंपनी इंडियन नहीं है बट उसकी पोयम जो है अगर वो इंडिया में होगी ना उस केस में वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अब ये निकल के आ रहा है जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है कि भैया एक तो कंपनी इंडिया में है रेजिडेंट तब बनेगी, और अगर कंपनी इंडियन नहीं है उसकी पोयम अगर इंडिया में होगी तो रेजिडेंट बनेगी। अब पोयम की गाइडलाइंस क्या, मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना सर, बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे समझ में आ गया पूरा टाइम लगाऊंगा सर यहाँ पर, और बिलीव में अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, घर में बाहर जितनी मर्जी कोशिश कर लेना ये कॉन्सेप्ट सर जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और क्वेश्चन पक्का बनना है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास आपका ये वाला टॉपिक मैं कट करके यूट्यूब पर डाल दूँ, ताकि अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता नेक्स्ट क्लास में आप आके यहाँ पर दोबारा पूछोगे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिर दोबारा पूछोगे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा आप YouTube पे देखोगे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिर मुझसे पूछोगे, फिर नहीं आ रहा तो बस फिर रटना पड़ेगा, क्योंकि इसके लॉजिक मैं सारे बता दूंगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो भैया ये तो पता लग गया कि पोयम अगर इंडिया में है तो आर बनेगी, पोयम बाहर तो एनआर बनेगी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब अभी तक क्या निकल के आ रहा है कि भैया कंपनी की दो कैटेगरी होंगी, या तो कंपनी होगी इंडियन वो बन जाएगी रेजिडेंट, या कंपनी होगी फॉरेन, उसके दो केस होंगे, अगर पोयम इंडिया में है तो आर बन गई, पोयम आउटसाइड इंडिया होगी तो वो क्या बन गई, एनआर बन गई, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब जब गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया ना, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू क्यों किया, ध्यान सुना, आप यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब गवर्नमेंट का यह पोयम वाला सर्कुलर आया, गवर्नमेंट ने कहा पोयम निकालने के ना गाइडिंग प्रिंसिपल ये होंगे, तो इस सर्कुलर से पहले प्रॉब्लम क्या थी,
सर एक बात मैंने सोच के बताना, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढूं, इस लाइन को ध्यान से पढूं, तो लाइन में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी फॉरेन कंपनी की, दोबारा बोलो, किसी भी फॉरेन कंपनी की अगर पोयम इंडिया में है तो वह रेजिडेंट है, और अगर किसी भी फॉरेन कंपनी की पोयम बाहर होगी तो वह एनआर बन जाएगी। इसमें अभी तक ना इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि फॉरेन कंपनी ये वाली कवर होनी है और ये वाली कवर नहीं होनी। अब जब ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आया ना, तो हर फॉरेन कंपनी को एक दिक्कत हुई, और मेजर दिक्कत किन को हुई, जो कंपनी छोटी छोटी है। सर एक बात मैं सोच के बताना, आज इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आए, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर लेके आना चाहती है, और अगर मैं उन फॉरेन कंपनी की, जो भी स्टार्टअप कंपनी है जिनकी टर्नओवर बहुत कम है, अगर मैं उस केस में पोयम कॉन्सेप्ट लगा दूंगा ना, तो बहुत सारी कंपनी क्या बनेगी, इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगी। और जब वो कंपनी रेजिडेंट बनेगी, आप सब जानते हो रेजिडेंट पर्सन की पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, और अगर उनकी सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होंगी तो सोच के बोलना फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। तो जब ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने निकाला ना, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी को दिक्कत आई। उन्होंने बोला कि देखो जी, अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आओगे फिर तो हम रेजिडेंट बन रहे हैं, हमारी सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ऐसा है हमारे पैसे वापस लो, जिससे इन्वेस्टमेंट करवानी है कराओ, हम तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हारा पोयम कॉन्सेप्ट आ चुका है, तुम रेजिडेंट बना रहे हो, तुम्हारी सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, भैया इंडिया में क्यों आए? मतलब एक तो तुम कह रहे हो आओ इन्वेस्टमेंट करो, जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तुमने बोला तुम्हारी पोयम इंडिया में है, रेजिडेंट है, पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, अगर हमसे इन्वेस्टमेंट करवानी है तो हमारे ऊपर एक कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा, इट मीन्स हमें यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मार्केट में जब इतनी सारी लिटिगेशन आई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सर्कुलर में एक लाइन लिख दी, और सर्कुलर में लाइन क्या लिखी कि जो भी हम पोयम के ये प्रिंसिपल लेके आ रहे हैं, जो भी हम पोयम निकालने की गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं ना, ये गाइडलाइंस हर फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, जिस फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी ना, उस कंपनी पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर्कुलर इशू किया, और सर्कुलर में क्या बोला कि भैया इंडियन कंपनी आर है, फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया में तो आर बनेगी, पोयम बाहर है एनआर है, फिर फॉरेन कंपनी को दिक्कत आई, गवर्नमेंट ने सर्कुलर में एक लाइन ऐड कर दी कि भैया अगर पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है, पोयम की गाइडलाइंस एप्लीकेबल तब होंगी अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर जो होगी वो 50 करोड़ से ऊपर होगी। इट मीन्स जितनी भी छोटी मोटी फॉरेन कंपनी है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, उस पर गाइडलाइंस प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा अब सुनो फिर प्रॉब्लम क्या आई। सर एक बात मैंने सोच के बताना, लेट से मान लो एक फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी को तो बाहर निकाल दो, हमेशा रेजिडेंट है, उसमें तो हमें चेक ही नहीं करना, छोटी है बड़ी है हमेशा रेजिडेंट है, उसको तो एक बार छोड़ दो। एक फॉरेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 40 करोड़ है, एक कंपनी ये है, और एक फॉरेन कंपनी है उसकी टर्नओवर 60 करोड़ है, एक कंपनी है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, भाई जिसकी टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है ना, तो जो हमने पोयम के गाइडलाइंस प्रिंसिपल निकाले हैं, वो कंपनी सारे गाइडलाइंस प्रिंसिपल पड़ेगी, उसके बेस पे निकाल दे उसकी पोयम कहां पर है, उसके बेस पे स्टेटस निकाल दे, हम टैक्स लगा देंगे। अब जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ रुपए है, मतलब 50 करोड़ या उससे कम है, तो उस टाइम प्रॉब्लम मार्केट में क्या आ गई कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये प्रिंसिपल उन पर लगेंगे जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। तो उस टाइम कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा भाई अगर मेरी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होगी ना, तो मेरे पर पोयम का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो मैं हमेशा एनआर बनूंगी, और अगर हमेशा एनआर बनूंगी मेरी इनकम कम टैक्सेबल होगी, मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने मेरे लिए बेनिफिट कर दिया क्योंकि इनकम कम टैक्सेबल होगी। बट असेसिंग ऑफिसर ने बोला ऐसा कहां लिखा है कि जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होगी उस पर पोयम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने में क्या आ रहा है कि टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी तो पोयम के गाइडलाइंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, और अगर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होगी तो गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, पोयम कॉन्सेप्ट तो लगेगा। तो डिपार्टमेंट ने बोला भैया पोयम कॉन्सेप्ट तो लगेगा, तुम्हारा पोयम निकालने का तरीका अलग होगा, जो गाइडलाइंस के अंदर तरीका लिखा है वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मार्केट में फिर दोबारा प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहां पर क्या लिखा कि प्रिंसिपल कब लगेंगे, 50 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ तक वाली पर। लोगों ने क्या बोला, कंपनी ने बोला मेरे ऊपर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट तो है तेरे ऊपर, ये प्रिंसिपल नहीं है निकालने के। फिर गवर्नमेंट ने फाइनली एक सर्कुलर दोबारा इशू किया, ये सर्कुलर मैंने दिया भी है, और उस सर्कुलर ने सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया कि भैया इधर देखो ध्यान से, ये सर्कुलर नंबर है, देखो जी ये सर्कुलर इशू किया था 23 फरवरी 2017 को, ये वाला सर्कुलर है,
और उसमें क्लैरिफाई क्या कर दिया कि भैया जो पोयम की गाइडलाइंस ये दी हुई हैं शैल नॉट अप्लाई टू कंपनी हैविंग टर्नओवर 50 करोड़ और लेस। इसका मतलब पता क्या है, अगर आप इस सर्कुलर को आप गूगल से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, इसमें साफ साफ अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं करेंगे जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है। सर आप ये बताओ क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, हमें तो ये बताओ, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी मत सुनाओ। सर क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जो पोयम कॉन्सेप्ट है, जो पोयम कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल ही अब उन फॉरेन कंपनी पर होगा जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होगी ना, उस पर पोयम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और पोयम कॉन्सेप्ट ना होने का मतलब वो सारी फॉरेन कंपनी अब नॉन रेजिडेंट मानी जाएंगी हर केस में, चाहे पोयम कहीं पर भी हो चाहे कंट्रोल कहीं पर भी हो। अच्छा सर, इसका मतलब जो हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा था और जो अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो अब ये क्रक्स निकल के आ गया सारी अमेंडमेंट के बाद कि एक कंपनी की दो कैटेगरी बनेंगी। मैंने कहा ठीक है, एक कैटेगरी तो बनेगी इंडियन कंपनी, एक कैटेगरी बनेगी फॉरेन कंपनी। मैं कहा जी बिल्कुल सही है सर, इंडियन कंपनी तो आपने बोल दिया कि भैया हमेशा बनेगी रेजिडेंट, इसमें पोयम वोयम कहीं पर भी हो वो हमें चेक नहीं करना। मैं कहा बिल्कुल सही है, फॉरेन कंपनी की दो कैटेगरी बना दो, या तो उसकी टर्नओवर होगी 50 करोड़ या उससे कम, या उसकी टर्नओवर होगी 50 करोड़ से ज्यादा। अगर टर्नओवर 50 करोड़ उससे कम है तो पोयम कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, तो एक कंपनी हमेशा मान ली जाएगी नॉन रेजिडेंट, इसमें हमें कुछ चेक ही नहीं करना। और जिस फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उस कंपनी में क्या लग जाएगा, पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर पोयम इंडिया में है तो आर बनेगी, पोयम बाहर है एनआर बनेगी। अब ये पोयम निकालनी कैसे है, उसके गाइडलाइंस प्रिंसिपल जो हैं अब इस कंपनी के लिए पढ़ने हैं, 50 करोड़ जिनकी टर्नओवर है उसके लिए नहीं पढ़ने। और आपको शायद जानकारी हो, जिस बार सीएस प्रोफेशनल का अभी एग्जाम गया है, आपको मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि पोयम की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है ना, वो सारी गाइडलाइंस लिखो, थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था। और जब भी एग्जीक्यूटिव आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका एग्जाम किया, उसके अंदर एमसीक्यूज बने कि जो पोयम की गाइडलाइंस हैं वो कितनी टर्नओवर के बाद अप्लाई होती हैं, बच्चों को पता ही नहीं था। तो सिंपल सी बात ये निकल कर मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बच्चा रट के जाता है, समझ के नहीं जाता, आपको समझ के जाना पड़ेगा पोयम कॉन्सेप्ट है क्या। तो इतना बोलो अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि भैया इंडियन कंपनी हमेशा, दोबारा बोलो फटाफट से सर, ऐसे नहीं बैठना यार प्लीज, अब प्रोफेशनल में आप हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से एटीट्यूड के अंदर बैठोगे, सर अब तो हम सीएस बनने वाले हो गए कुछ ही घंटे रह गए हैं, सर ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी ना, गलत बात है बिल्कुल। फटाफट से बताओ रही पार्टिसिपेट करो, अगर कोई कंपनी इंडियन है तो हमेशा क्या बनेगी, रेजिडेंट। अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, दो केस बनेंगे, टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी तो पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा, पोयम की गाइडलाइंस भी अप्लाई करनी है। और अगर कोई टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होगी, पोयम कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, हमेशा एनआर बनेगी और उसकी टैक्सेबिलिटी एनआर के बेस पे आएगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब बच्चा कह रहा है सर, इट मींस जो अब गवर्नमेंट ने पोयम की गाइडलाइंस बताई हैं, वो गाइडलाइंस हमें किन के लिए चेक करनी है, उन फॉरेन कंपनी के लिए जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। ये बात तो क्लियर है, पक्का पक्का, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। यस सर, अब सुना ध्यान से, अब जब मैं इस सर्कुलर के पास गया जिसने पोयम की ना गाइडलाइंस बताई है, ये काफी लंबा चौड़ा सर्कुलर है, ये सर्कुलर मैंने आपकी बुक में दिया हुआ है और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास में करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको रीड करने के लिए दूंगा, आपने वो रीड करनी है। एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, उसके ब्रैकेट में ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट रीड, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो, अब सोच के बोलना, अब ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सीनियर मैनेजमेंट, इसमें कौन कवर होगा, तो मैंने लिख दिया सेल्फ रीडिंग, पढ़ लेना, एग्जाम का मैटर नहीं है, पोयम से कोई लेने देना नहीं है। तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होंगे वो पूरे बता दूंगा कैसे होंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझा दूंगा, कुछ डेफिनेशन आपको रीड करनी पड़ेंगी, आपके बुक्स में नोट्स दिए हुए हैं, अमेंडेड नोट्स सारे हैं, वो आप वहां से रीड कर सकते हो, और जिनको नोट्स अभी नहीं मिले प्लीज वो नोट्स लेके जाएंगे, ठीक है जी। लो जी, अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ गाइडलाइंस, अब प्लीज पूरी क्लास का माइंड यहाँ पर हो, इधर सुना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, अब जब मैं इस सर्कुलर के पास गया ना, जब मैं सर्कुलर के पास गया तो मैंने सर्कुलर से पूछा, मैंने कहा सर्कुलर यार एक बात बता कि जो ये फॉरेन कंपनी की अब मुझे पोयम गाइडलाइंस निकालनी है तो मुझे कैसे पता लगेगा उसकी मतलब पोयम कहाँ पे है, कि अगर पोयम इंडिया में है उसने बोला आर है, अगर पोयम बाहर है तो तूने बोला एनआर है, तो कैसे आइडेंटिफाई करूं कि उसकी पोयम है कहां पर और कैसे पोयम निकलेगी। उसने कहा देख भाई, सर्कुलर ये बात कहता है कि किसी भी, प्लीज ध्यान सुनना,
किसी भी फॉरेन कंपनी की हम पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। सर मैंने कहा सर प्लीज एक बार दोबारा बताओ ना, किसी भी अपने माइंड में यहां पर डालना सर, किसी भी फॉरेन कंपनी की पोयम, दोबारा बोलो, किसी भी फॉरेन कंपनी की पोयम हम इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, उस फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन उसकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बताया कि किसी भी फॉरेन कंपनी पोयम इंडिया में मान लेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी या बाहर मान लेंगे। सर बाहर मान लेंगे, उसने ये बताया है कि पोयम बाहर मान ली जाएगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बोला, उसने बोला कि एक तो फॉरेन कंपनी का ना एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर होना चाहिए, और दूसरा मैंने क्या बोला, इसी फॉरेन कंपनी का जो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग होंगी ना वो भी इंडिया से बाहर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो भैया पोयम इंडिया से बाहर है, फिर वो कंपनी बन जाएगी एनआर। और अगर इन दोनों में सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो अपने मुंह से ये मत निकाल देना उसकी पोयम इंडिया में है। देखने में लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो पोयम बाहर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो पोयम बाहर, और देखने से क्या लग रहा है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो पोयम इंडिया में। लोग कहते नहीं, लोग कहते दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो पोयम बाहर है ये कंफर्म है, बट अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी फिर पोयम कहां पर होगी, उसके लिए आपकी अलग स्टेज है, उसको फॉलो करोगे फिर आप पोयम निकालोगे। तो अपने माइंड में पहले ये चेक करके चलो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पोयम, इधर देखो ध्यान से, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो ये मेरे सामने ना ये एक फॉरेन कंपनी है, बस ये सर रिमोट है, मान लो ना लेको, मान लो एक फॉरेन कंपनी है। अब इस फॉरेन कंपनी से ना, इस फॉरेन कंपनी से मैं पूछूंगा, ए फॉरेन कंपनी बताना कि तेरी टर्नओवर कितनी है। अगर ये फॉरेन कंपनी बोलती है मेरी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है तो मैं क्या बोलूंगा, जा तू तो अपने घर जा भैया, तू तो एनआर है, तेरे कैसे पोयम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जा यहां से निकल जा। ये कंपनी बोली सर मेरी टर्नओवर ना 60 करोड़ है, तो जैसे इसने बोला कि मेरी टर्नओवर 60 करोड़ है, अब मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं कंपनी अगर तेरी टर्नओवर 60 करोड़ है ना और अगर तेरी पोयम इंडिया में है तू आर है, तेरी पोयम बाहर है तू एनआर है, कहती मेरे को पता है। अब इसने पूछा ये तो मेरे को पता है, ये बताओ मेरी पोयम निकलेगी कैसे। तो मैं अब इस फॉरेन कंपनी से कह रहा हूं कि फॉरेन कंपनी हम तेरी पोयम को इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर तू ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। हम इस फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे अगर ये फॉरेन कंपनी दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती है। सबसे पहली कंडीशन, फॉरेन कंपनी तेरा एक्टिव बिजनेस ना इंडिया से बाहर होना चाहिए, फॉरेन कंपनी तेरा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर होना चाहिए, एंड जो तेरी कंपनी की मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो भी इंडिया से बाहर होनी चाहिए। तो फॉरेन कंपनी अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगी ना फिर तेरी पोयम इंडिया से बाहर मानेंगे, नहीं तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या अलग से प्रिंसिपल बोलते हैं। अब एक बच्चा, इतने सारे बच्चे जो क्लास के अंदर बैठे हैं, एक बच्चे के मन में डाउट आ गया सर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर है वो तो हम निकाल लेंगे। मैंने कहा कैसे सर, अगर मान लो 40 बोर्ड मीटिंग हुई हैं और अगर 30 बाहर हो गई हैं तो भैया मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर है ये तो हम समझ लेंगे। 40 का मतलब आप ये कहना चाहते हो ना 50% से ज्यादा बोर्ड मीटिंग बाहर हो। मैंने कहा यस, तो सर ये तो हम निकाल लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेन जो हमें समझ में नहीं आ रहा ना वो ये नहीं आ रहा, हमें कैसे पता लगेगा उस फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है। और जैसे आपने मुझसे पूछा ये बात, गवर्नमेंट को पता थी आप पूछोगे कि एक्टिव बिजनेस कैसे पता लगेगा इंडिया से बाहर है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन कंपनी हम तेरा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर तब मानेंगे अगर तू ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर देती है। अच्छा, पहले तो दो कंडीशन, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोयम बाहर मान लेंगे। पोयम की पहली पहली कंडीशन क्या थी, तेरा एक्टिव बिजनेस बाहर हो, दूसरी कंडीशन तेरी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर हो, बोर्ड मीटिंग वाले केस में दिक्कत नहीं है, एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है उसमें दिक्कत है।
अब एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर कब मानेंगे, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन आपके सामने है, देखो यहां पर अब क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ए कंपनी शैल बी सेट टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हम उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मानेंगे कब, इफ इफ कब द पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। मतलब मैं इस कंपनी से कह रहा हूं, फॉरेन कंपनी, तेरा मैं एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मान लूंगा कब, अगर ये चार कंडीशन तू सेटिस्फाइड करेगी। इसने बोला पहली कंडीशन क्या है, मैंने कहा सुन कि जो तेरी इस कंपनी की जो पैसिव इनकम है ना, तेरी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। मतलब जो ये फॉरेन कंपनी, हेलो प्लीज, मैंने पहले भी क्या बातचीत नहीं करनी यार, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है फिर आप क्लास के अंदर बातचीत करते हो। सर ये खत्म करवाने में 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा और 10 मिनट में आपको समझ में भी आ जाएगा और इससे बढ़िया समझ में आएगा जो मैं 1 घंटा लगाऊंगा। बट होगा उसमें दिक्कत क्या आएगी, 1 हफ्ते के बाद भूल जाओगे। यही मुझ में दिक्कत है सर, जब तक मैं इसको 3-4 बार रिपीटेशन नहीं कराऊंगा ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और कई बच्चों को ना लगता भी होगा, मैं यूट्यूब पे क्लास डालता हूँ ना तो 2-3 बच्चे कमेंट मार देते हैं कि भाई अननेसेसरी, मतलब बार बार रिपीट करवाते हैं, पागल बना रहे हैं सर। अब उन्हें ये नहीं पता ना कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो नहीं डाल रहा, क्योंकि भैया हर बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर अगर मेरे पास 300 बच्चा है, 400 बच्चा है, 200 बच्चा है, अगर 1 बच्चे का रिजल्ट नहीं आया सर, मुझे बद्दुआ मिल जाती है। तो प्लीज ये मत सोचना कि आपको अगर पहली बार में समझ में आ गया तो 3 बार बातें करोगे आप। और एक कॉन्सेप्ट आपको दिखा दूंगा, आपके एग्जाम में जब आएगा ना, आप ये याद करोगे कि सर ने जो बार बार चीजें रिपीट की थी ना, वो तो अभी हमें याद आ रही हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको बातें करनी है करो, करियर आपका है। मैंने एक पॉइंट समझा दिया, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपना माइंड क्लास में लेके आओ। ये तो सुनो ध्यान से, फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर कब मानेंगे। सबसे पहली कंडीशन, इस कंपनी की पैसिव इनकम जो है वो इसकी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। अब जैसे मैंने बोला ना, इसकी पैसिव इनकम इसकी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो, क्या डाउट आ गया कि सर पैसिव इनकम किसे कहते हैं। मतलब पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है, मैं आपसे पूछता हूं सर। आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर लोगों का कोई महाज्ञानी है ही नहीं, ऑलमोस्ट आप सीएस प्रोफेशनल में, आप देखो यहां पर बैठे हो, ऑलमोस्ट सीएस बन चुके हो, सीएस बनने वाले हो कुछ ही घंटे के बाद, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल के अंदर बच्चे का एक अलग ही एटीट्यूड लेवल होता है। वो कहता है अरे अब तो हम सीएस बन गए, अब हम किसी के परवाह नहीं है। तो आपके माइंड से क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के बोला पैसिव इनकम मींस क्या। मतलब पैसिव इनकम नाम से पता लग रहा है, पैसिव मींस बैठे बिठाए इनकम आना सर। मतलब रॉयल्टी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी की सारी क्या है, पैसिव इनकम है। और ये बात हमारा माइंड ये बात कह रहा है ना, अब लॉ में क्या लिखा है कि पैसिव इनकम में कौन सी इनकम आएगी, और ये निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो उसकी पैसिव इनकम होगी उसकी टोटल इनकम के 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब मेनली मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि भैया पैसिव इनकम में कौन सी इनकम आएंगी और कौन सी इनकम नहीं आएंगी। इधर सुना ध्यान से, अब अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूंगा तो लॉ ने यहां पर डिफाइन कर दिया है पैसिव इनकम का मतलब क्या। देखो जी यहां पर वो ये बात कह रहे हैं, पैसिव इनकम ऑफ ए कंपनी शैल बी एग्रीगेट ऑफ, आपने बोल देना सर पैसिव इनकम जो है क्या है, इन दोनों का एग्रीगेट है। वो ये नहीं कह रहे 1 और 2, वो कह रहे एग्रीगेट ऑफ 1 और 2, मतलब दोनों का एग्रीगेट जो होगा ना वो पैसिव इनकम होगा। आओ चेक करते हैं किसका एग्रीगेट। सबसे पहला इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वेयर, इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम ऑब्लिक टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ओ माय गॉड सर, हमारे माइंड से तो ऊपर से जा चुका है, आपके माइंड में कुछ आया हो तो हमें बता दो, मेरे माइंड में समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ये इंग्लिश की लाइन लिख दी है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। कोई बताना चाहेगा क्या लिखा है, कोई अगर एक आधा बच्चा बताना चाहता हो, हाँ यस आप बताओ जी। परचेज सेल कहीं पर भी किया हो, बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर परचेज आपने एसोसिएटेड से किया हो, सेल कहीं पर भी किया हो, ताला सेल कहीं पर भी किया हो, सोच के बोला उसने क्या लिखा है सर। वो ये बात कह रहा है कि अगर कोई इनकम उस ट्रांजेक्शन से आई है जो ट्रांजेक्शन हुई है परचेज एंड सेल टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, वहां से आने वाली इनकम को पैसिव इनकम बोलेंगे। तो सर अगर एक फॉरेन कंपनी, सुना एक फॉरेन कंपनी की पैसिव इनकम निकालनी है,
पैसिव इनकम है उसकी, वो इनकम आएगी अगर उसने परचेज किया एसोसिएटेड एंटरप्राइज से और उस कंपनी ने सेल भी एसोसिएटेड को ही किया होगा ना, तो उससे आने वाली इनकम उसकी पैसिव इनकम बन जाएगी। आपके मन में क्वेश्चन क्या आ गया, सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? अभी नहीं बता पाऊंगा। अगर आप में से कोई बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का है तो आपके उसमें एक चैप्टर था ट्रांसफर प्राइसिंग का, और अगर कोई बच्चे न्यू सिलेबस के आए हैं उसमें टीपी वाला चैप्टर नहीं था बट प्रोफेशनल के अंदर चैप्टर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसके अंदर आपको बताऊंगा एक सेक्शन नंबर 92 कैपिटल ए है उसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अभी के लिए बस ये समझ लो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब होता है रिलेटेड पार्टी, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर आपने परचेज भी रिलेटेड पार्टी से की है एंड सेल भी रिलेटेड पार्टी को ही की है उससे आने वाली इनकम आपकी पैसिव इनकम बन जाएगी, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा फिर देखो जी, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी डिविडेंड कैपिटल गेन इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, ये पांच इनकम जो है ये पांच इनकम भी पैसिव इनकम है। तो भैया पैसिव इनकम में एक तो ये पांच इनकम आ गई और एक ये वाली इनकम आ गई, इन दोनों का एग्रीगेट जो होगा वो पैसिव इनकम बनेगा। अब वो चेक करो तुम्हारी टोटल इनकम का कितने परसेंट है, और अगर इसका एग्रीगेट तुम्हारी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं है तो भैया पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। याद है समझ में आ गया, पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? दो मिनट के अंदर फटाफट से रिवीजन कराओ जी। इतना बताओ कंपनी की, हाँ हेलो, कंपनी की दो कैटेगरी होती है इंडियन फॉरेन। इंडियन कंपनी हमेशा क्या बनेगी, आर बनेगी। फॉरेन कंपनी की दो कैटेगरी होंगी, टर्नओवर 50 करोड़ उससे कम है 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ उससे कम है तो पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो हमेशा एनआर बनेगी, उस केस में हमें कुछ चेक ही नहीं करना। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है पोयम इंडिया में तो आर, पोयम बाहर है तो एनआर। अब मुझे चेक करना है पोयम है कहां, तो गवर्नमेंट ने निकाला सर्कुलर, सर्कुलर में क्या बोला, हम पोयम बाहर मान लेंगे। कब, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहली कंडीशन कि भाई कंपनी तेरा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर होना चाहिए, तेरी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग में निकाल लूंगा कहां पर हुई है, मेन मुद्दा आ रहा है एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है या नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला कंपनी तेरा एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मान लिया जाएगा अगर तू चार कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। पहली कंडीशन, तेरी पैसिव इनकम तेरी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। सेकंड कंडीशन आओ जी देखते हैं। सेकंड कंडीशन है कि जो आपकी इंडिया में एसेट्स पड़ी है ना वो टोटल एसेट्स के 50% से कम होनी चाहिए। जो इंडिया में एसेट्स पड़ी हैं वो टोटल एसेट्स के 50% से कम हो, और वैल्यू जैसे मान लो 1000 करोड़ रुपए की एसेट है और इंडिया में एसेट्स कितनी है, लेट से मान लो 490 करोड़ की, तो 50% से कम इंडिया में है ना। टोटल मान लो 1000 करोड़ की है टोटल, जिसमें 490 करोड़ की इंडिया में है और 510 करोड़ की मान लो ये हो गई बाहर, तो 490 मतलब लेस देन 50% हो गया, तो भैया कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मतलब टोटल एसेट की वैल्यू का लेस देन 50% अगर इंडिया में है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद आपके जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, आपके जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसके 50% से कम इंडिया में होनी चाहिए। सर मेरे एम्प्लॉई 120 हैं, तो भैया अगर तुम्हारे टोटल एम्प्लॉई 120 हैं और 50 मान लो इंडिया में हैं तो लेस देन 50% है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगली फोर्थ कंडीशन है, जितने एम्प्लॉई तुम्हारे इंडिया में हैं 50, उस पर होने वाला खर्चा तुम्हारे टोटल खर्चे के 50% से कम हो। ओह माय गॉड, सर चार कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन फटाफट से बोलो, पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि भैया सबसे पहली कंडीशन तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। सेकंड कंडीशन निकल के आ रही है जो तुम्हारी इंडिया में एसेट्स हैं वो तुम्हारी टोटल एसेट्स के 50% से कम हो। तीसरी कंडीशन तुम्हारे एम्प्लॉई इंडिया में टोटल एम्प्लॉई के 50% से कम हो। एंड लास्ट कंडीशन, जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उस पर होने वाला खर्चा तुम्हारे टोटल खर्चे के 50% से कम हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है, और अगर बिजनेस इंडिया से बाहर है तो भैया मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग चेक कर लो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तुम्हारी पोयम इंडिया से बाहर आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको फटाफट से मैं क्लियर कर देता हूं, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर मैं कराऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन तो जब एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था ना उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने इशू किया था, वो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा। एक क्वेश्चन और यहां पर कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन जो होंगे फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहां पर एक वर्ड आया इनकम, देखो इनकम वर्ड आया ना इनकम। अब ये इनकम हमें एज पर इनकम टैक्स लेनी है, एज पर कंपनी एक्ट लेनी है, कैसे लेनी है हमें, तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो तुम इनकम लोगे वो लोगे एज कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस,
इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंट्री का टैक्स लॉ क्या कहता है उसके बेस पे ले लो। और अगर वहां पर उसने बोला है कि भैया कोई रिक्वायर नहीं है, तो उस केस में जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इनकम होगी ना, आप उस बेस पे भी काम कर सकते हो। एसेट्स की वैल्यू क्या क्या लेनी है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी होगी ना, तो गवर्नमेंट ने बोला डेप्रिशिएबल की, जो एसेट्स हमारी डेप्रिशिएबल हैं उसकी WDV कौन सी, ओपनिंग क्लोजिंग या क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला एवरेज, ओपनिंग WDV प्लस क्लोजिंग WDV उसका एवरेज निकाल लो, एवरेज वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर वो आपकी फिक्स एसेट्स हैं तो भी ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज उसकी वैल्यू यहाँ पर आएंगी, और जो आपकी कुछ और एसेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू जो होंगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है जी। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है कि जब भी आप वैल्यू निकालोगे ना भाई इंडिया में कितनी है और बाहर कितनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू हमें लेनी कौन सी है, गवर्नमेंट ने सर्कुलर में डिफाइन कर दिया भाई डेप्रिशिएबल की एवरेज लेनी है, फिक्स एसेट्स की भी एवरेज लेनी है, अदर एसेट्स की जो आपकी बुक वैल्यू होंगी वो आपको यहाँ पे लेके चलनी है। अच्छा, अब एम्प्लॉई हमें कौन से लेनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ अलग होंगे एंड में कुछ अलग होंगे, तो टोटल एम्प्लॉई हमें कौन से लेने हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है एवरेज, कि जो तुम्हारा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एवरेज होगा, मतलब एट द स्टार्टिंग और एट द एंड में इनका एवरेज होगा ना, वो एवरेज होंगे वो तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऐसे काउंट होंगे, ठीक है। पेरोल में क्या क्या आएगा, देखो नहीं पेरोल में आप सब जानते हो, आपकी सैलरी आ जाएगा, वेरियस आएगा, बोनस, कमीशन, ये सारे जो आपको सैलरी हेड में मिलते हैं ना, वो सारा पॉइंट आपका पेरोल के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। उस पर एक हेड ऑफिस की डेफिनेशन है, ये पढ़ लेना, सेल्फ रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मेन हमें बस ये देखना था कि ये जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और ये डाटा ध्यान रखना, जो ये डेटा है ना, जो ये डेटा है ये हमें चेक करना होता है प्रीवियस ईयर का और उसके पिछले 2 साल का, मतलब 3 साल का डेटा आपको होता है उसके बेस पे हमें चेक करना होता है। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ऑलवेज आपको डेटा दिया होगा। बस ये मैटर प्रैक्टिकल लाइफ में करता है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कंपनी की पोयम निकालते हैं ना, तो हमें डेटा पिछले 3 साल का लेना होता है। अगर पिछले 3 साल का नहीं है तो जितना डेटा हमारे पास है उसके बेस पर फिर हम ये कैलकुलेशन करते हैं। मुझे इतना बताओ जो मेन हमारे काम की बात है, क्योंकि ये सारी बातें ना, ये डेप्रिशिएबल की ये वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू लेनी है, ये सारी बातें काम की तब आती हैं जब क्वेश्चन थियोरटिकल बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो हमें वो निकाल के दे देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें निकालनी नहीं है, क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, सब कुछ निकाल के दिया होगा, हमें बस ये बताना है उसकी पोयम कहां पर है। आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, देखो भी कैसा बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा नहीं है, सर्कुलर जब इशू किया उसको समझने के लिए गवर्नमेंट ने ही वो क्वेश्चन निकाला, उससे बेस्ट क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। बट उससे पहले मुझे फटाफट से इतना बताओ जी, कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया कंपनी का, कंपनी के 2 केस मैंने बनाए हैं जी, या तो कंपनी है इंडियन या वो कंपनी है फॉरेन। इंडियन कंपनी हमेशा आर बनेगी, फॉरेन कंपनी बनेगी अनआर। फॉरेन कंपनी अनआर बन जाएगी हर केस में, बोलो फटाफट से बोलो, क्या फॉरेन कंपनी के भी 2 केस होंगे? सर फॉरेन कंपनी के 2 केस होंगे, या तो टर्नओवर उसकी होगी 50 करोड़ या उससे कम, या टर्नओवर होगी 50 करोड़ से ज्यादा। अगर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, भैया पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, हमेशा बनेगी एनआर। अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, गाइडलाइंस प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, उसके बेस पे निकालनी पड़ेगी पोयम है का। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि पोयम है का वो कैसे माने, तो गवर्नमेंट ने बोला पोयम इंडिया से बाहर मान लो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, उस फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर हो और उसकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर हो। अब मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग तो हर कोई निकाल लेगा, उसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर कैसे मानूं? तो गवर्नमेंट ने बोला उसके लिए फिर 2 कंडीशन है, सॉरी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन, उस कंपनी की पैसिव इनकम जो है उसकी टोटल इनकम की 50% से ज्यादा ना हो, 50 चलेगी, 50 से कम चलेगी, 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, उसकी जो इंडिया में एसेट्स हैं उसकी टोटल एसेट्स का 50% से कम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, उसके जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उसके टोटल एम्प्लॉय के 50% से कम होनी चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन, जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उस पर होने वाला खर्चा उसके टोटल खर्चे के 50% से कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो एक्टिव बिजनेस बाहर बनेगा, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग निकालो, उसके बेस पे तुम काम कर दो कि तुम्हारा स्टेटस, मतलब तुम्हारी पोयम इंडिया से बाहर है या नहीं है। और ये डेटा कैसे कैसे लेना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, मैंने आपको बता दिया। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा बन सकता है। लो जी, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कल मैं ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी करा रहा था पटेल नगर के अंदर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को ही, तो उस टाइम हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन किया था और मैं, मतलब वाकई ही कल मुझे मज़ा आया, कितने अच्छे बच्चे हैं ना, जो फेस टू फेस के अंदर, आप भी बहुत अच्छे हो, आप तो हो ही अच्छे ना, आपको पता है एग्जी वाले बच्चे आपको भगवान मानते हैं, मतलब बहुत आपकी तारीफ करते हैं। और जब यहाँ लक्ष्मी नगर के अंदर बच्चा एग्जीक्यूटिव का आता ना यहाँ पे, जब सुबह सुबह उनकी क्लास होती है, तो उन्हें मैं बताता हूँ ना प्रोफेशनल के बच्चों की क्लास यहाँ होती है, ऐसे मत्था टिक के जाते हैं, हे भगवान, अंदर भगवान बैठे हैं। हाँ, आप हंस रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, आपको भगवान मानते हैं,
अब खुद सोचो देखो, अगर वो आपसे कभी पूछ लेगा कि भैया भैया ये दीदी दीदी ये पोएम कॉन्सेप्ट ना हमें सर ने समझाया था बट हमें यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो प्लीज आप बता दो, तो आपको उससे ज्यादा समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। उनका तो माइंड अभी आपसे थोड़ा सा तो मतलब उस लेवल का नहीं है ना, आपका माइंड तो ग्रो हो चुका है क्योंकि आपको पता है कि भैया एग्जीक्यूटिव हमारी क्लियर हो चुकी है, अब हमारा माइंड उस लेवल से ऊपर जा चुका है, तो आपको बेस्ट तरीके समझ में आया कि भैया पोएम कॉन्सेप्ट है क्या, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो जब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। कंपनी ए कंपनी इज ए सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, एक कंट्री एक्स में इनकॉर्पोरेटेड है मतलब भैया फॉरेन कंपनी है, एंड इज 100% सब्सिडियरी कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी बी कंपनी, द वेयरहाउस एंड स्टॉक इन देम आर ओनली एसेट्स ऑफ द कंपनी आर लोकेट इन कंट्री एक्स। लो जी बात ही खत्म, दो एसेट्स हैं, दोनों कंट्री एक्स में मतलब इंडिया से बाहर हैं, तो सारी एसेट्स इंडिया से बाहर हैं, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी क्योंकि उसने कहा था इंडिया में जो एसेट्स हो ना टोटल के 50 से कम हो, मैं तो कह रहा हूं सारी ही इंडिया से बाहर हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर वो कह रहे सारे एम्प्लॉई भी इंडिया से बाहर हैं, ओ माई गॉड, अगर सारे एम्प्लॉई इंडिया से बाहर हैं तो होने वाला खर्चा भी इंडिया से बाहर का होगा, तो भैया वो दो कंडीशन भी और सेटिस्फाइड होगी, कंडीशन 2, 3, 4, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड। अब बस ये देखना है पैसिव इनकम कितनी है। आओ जी द एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है कंपनी का टोटल इनकम फॉर 3 ईयर, देखो वो डेटा दे दिया 3 साल का, वो कह रहे 30% जो इनकम आई है ना वो आई है फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर मेड फॉर नॉन एसोसिएटेड एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड। ओ माई गॉड, परचेज आपने कहां से की है, नॉन एसोसिएटेड से, सेल की एसोसिएटेड को, क्या ये इनकम पैसिव है? नहीं नहीं सर, ये इनकम पैसिव नहीं हो सकती क्योंकि आपने कहा था परचेज एंड सेल दोनों ही एसोसिएटेड से होनी चाहिए। आगे देखो 30% इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर एसोसिएटेड एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड, परचेज एंड सेल दोनों ही एसोसिएटेड से हैं, तो ये इनकम पैसिव बन गई 30%, तो ये बन गई 30% ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएटेड एंड सोल्ड टू नॉन एसोसिएटेड, ये इनकम भी पैसिव इनकम नहीं है तो काट दो, और 10% आपका इंटरेस्ट है ये पैसिव इनकम है, 30 और 10 कितना बन गया 40, तो भैया 50% उस 50% है उससे मतलब ज्यादा तो नहीं है ना 50% से, क्योंकि 40% है तो 50 से ज्यादा नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। अब अपने आप बोल देना अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो क्या उसकी पोयम इंडिया से बाहर मान लूं या एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मान लूं? एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर मान लूं क्योंकि बोर्ड मीटिंग के बारे में कुछ कहानी है, तो हम आंसर क्या देके आएंगे इसके बेस पे, एक्टिव बिजनेस उसका इंडिया से बाहर है। देखो जी क्या लिखा है आंसर में कि भैया वही देखो 40% है 30 और 10, तो इस बेस पे आप मान लोगे उसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर है। लोरी पहला क्वेश्चन खत्म। सर बस इतना क्वेश्चन बनेगा, आपके प्रोफेशनल लेवल पर इतना नहीं बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, देखो आगे कॉन्टिनेशन में है, बट जो क्यूट गुड से आपके छोटे भाई बहन है उसमें सर क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर के अंदर क्योंकि उनके पेपर अब एमसीक्यूज है। उसके बाद देखो वो कह रहे हैं द अदर फैक्ट रिमेन सेम इन क्वेश्चन 8, जो फैक्ट है बिल्कुल सेम है, फर्क क्या आएगा? विद द वेरिएशन दैट ए कंपनी हैज टोटल 50 एम्प्लॉई, 50 एम्प्लॉई है, 47 मैनेजिंग वेयरहाउस स्टोर कीपर एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड इन कंट्री एक्स, 47 एम्प्लॉई इंडिया से बाहर है और उसका MD, CEO और सेल हेड वो उसके इंडिया में है, तो 3 एम्प्लॉई इंडिया में, 47 बाहर, मतलब 50% से कम इंडिया में, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब ये देखना है उन तीनों पर जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है। उसने बोला जी एनुअल पेरोल जो है ना वो 50 एम्प्लॉई का टोटल 50 का 5 करोड़ है, बट इंडिया में जो एम्प्लॉई हैं उस पर खर्चा हो रहा है 3 करोड़। ओ माय गॉड, यही बच्चा गलती करता है, पता आपको बच्चा ये बात सोचता है सर सिर्फ 3 ही तो इंडिया में हैं तो खर्चा तो कम ही होगा ना, सर क्या पता वो 3 भी ऐसे हो जो पूरी कंपनी चला रहे हो और मेजर खर्चा उन्हीं के ऊपर होता है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अपनी तरफ से इलॉजिकल एजम्पशन मत लेके आना। तो 3 अगर 3 करोड़ हो रहा है ना तो 50% से ज्यादा खर्चा हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इट मींस उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं है। देखो जी क्या लिखा है, वही कंडीशन लिखा है, हाउएवर ये देखो लास्ट में देखो देयरफॉर ए कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, भैया उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं है क्योंकि कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है बट एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ओके ओके यस सर। अब देखो लास्ट पॉइंट यहां पर क्या है, बेसिक फैक्ट वही सेम क्वेश्चन 8 वाले हैं, उसकी ओल्ड डायरेक्टर एंड कंपनी आर इंडियन रेजिडेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 5 मीटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिसमें 2 तो हुई हैं इंडिया में 3 हुई आउटसाइड इंडिया। अपने आप बोल देना सर एग्जाम्पल नंबर 8, वो कह रहे हैं क्वेश्चन 8 के इफेक्ट सेम है, तो क्वेश्चन 8 में तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई थी,
एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर आ गया था, सिर्फ बोर्ड मीटिंग के बारे में नहीं बोला था, बोर्ड मीटिंग के बारे में बोल दिया। पांच बोर्ड मीटिंग है, तीन बाहर हैं, तो भैया मेजोरिटी बाहर हैं, तो अब देखना मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर है, एक्टिव बिजनेस भी इंडिया से बाहर है, तो पोयम कहां बन गई अब इंडिया से बाहर, ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। आंसर चेक करो, देखो इसमें लिखा हुआ है एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है तो उसकी पोयम हम मानेंगे इंडिया से बाहर, तो ये कंपनी बन जाएगी एनआर, इसके बेस पर टैक्सेबिलिटी आएगी, ये पोयम की गाइडलाइंस है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको हर टीचर की बुक में दिख जाएगा, मेरी नहीं, हर टीचर की बुक में। और ये क्यों दिख जाएगा, क्योंकि ये जब सर्कुलर इशू किया था उसके साथ ही क्वेश्चन आया था, किस लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो आपके एग्जाम में एक तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है ऐसा ऐसा, और एक क्वेश्चन और कैसा बन सकता है आपको बता देता हूं, लिखना है लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 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 अभी बस 10 मिनट रुक जाओ, कभी कभी नालायक थोड़ा देर भी बैठ जाए करो। बच्चे कह रहे नहीं सर अभी आदत नहीं पड़ी ना हमें, अभी तो हम प्रोफेशनल में आए हैं, अब हमें इतनी देर मत बिठाया करो सर, बस ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, देन ओके डाटा बाय बाय। कुछ 2-3 पॉइंट आपको घर से रीड करके आने, आप रीड करके आ जाना बस। इधर देखो ध्यान से, फॉरेन कंपनी की आपको बतानी है पोयम कहाँ पर है, अगर इसकी टर्नओवर बोल रहा हूँ मान लो 60 करोड़ है, तो पोयम की गाइडलाइंस लगेंगी ना, बोलो हाँ या ना, यस लगेंगी। ये दिया हुआ है इंडिया के बारे में, ये दिया हुआ है आउटसाइड इंडिया के बारे में, ठीक है। अब इंडिया के में यहां पर दिया हुआ है रॉयल्टी की इनकम 5 लाख 4 लाख, इंटरेस्ट की इनकम 2 लाख 5 लाख, डिविडेंड की इनकम 5 लाख और 10 लाख, अदर इनकम जो है मान लो 10 लाख है और यहां पर आ रही है 30 लाख, ये उसकी अदर इनकम है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर मान लो एसेट्स, एसेट्स इंडिया में इसकी 45 लाख और बाहर है 55 लाख। उसके बाद फिर इसके एम्प्लॉई इंडिया में है मान लो 40 और बाहर एम्प्लॉई है 60। एक्सपेंडिचर जो 40 एम्प्लॉई पर हो रहा है वो है 3 लाख, मान लो 3 लाख 40 एम्प्लॉई पर हो रहा है 3 लाख और बाहर जो 60 एम्प्लॉई हैं उन पर हो रहा है 5 लाख। लोरी अब आपको और इसकी टोटल बोर्ड मीटिंग है 40 और इसमें से 15 बोर्ड मीटिंग आपकी हो रही हैं इंडिया में और आप समझदार हो, 25 बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही होंगी, आउटसाइड इंडिया। हर बच्चा अपना अपना खेलना स्टार्ट कर दे, फटाफट से आंसर बोल दे, इस फॉरेन कंपनी की पोयम कहाँ है, उसके बाद फिर बस खम खम खम, ओह माय गॉड खम, बताओ रही फटाफट से। सर मैंने कहा सर आप बीच में मत बोलना, अगर आपको अपना आंसर करना है आप अपने आप करोगे, बीच में मत बोलना, ओके सॉरी। इधर देखो जल्दी 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 करो, जिंदगी प्यार का गीत है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, गाना सुना आपने, इतना अच्छा गाना है पता आपको, सुबह डेली सुना करो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, हाँ नहीं बताओ रही फटाफट से। पोयम कहां पे निकल के आ रही है, इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया में निकल के आ रही है, पहले तो बताओ आउटसाइड इंडिया में कैसे निकल के आ रही है, अगर पोयम इंडिया से बाहर है तो वो क्या बन जाएगा एनआर, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी आएगी ना, बट ये बताओ पोयम इंडिया से बाहर कैसे है, पहले तो बताओ पोयम इंडिया से बाहर कब होती है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर हो, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर हो, ये तो कंफर्म है कि भैया मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है उसकी 4 कंडीशन होती है, पहली कंडीशन उसकी पैसिव इनकम उसकी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो, पहले तुमने इतना बोला पैसिव इनकम कौन कौन सी है, ये 5 लाख पैसिव इनकम है, यस, ये 2 लाख है, यस, ये 5 लाख है, यस, अच्छा ये 3 इनकम भी पैसिव इनकम है। मेरा बस आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप पैसिव इनकम चेक करोगे तो पैसिव इनकम इंडिया वाली चेक करोगे, आउटसाइड इंडिया वाली चेक करोगे, या दोनों का सम टोटल, सर दोनों का सम टोटल है, कुछ बच्चों ने गलती की होगी
और उन नालायक बच्चों ने पता गलती क्यों की होगी, क्योंकि कंडीशन 2, 3, 4 में उसने लिखा है एसेट्स इंडिया में, एम्प्लॉय इंडिया में, और इंडिया में एम्प्लॉय पर जो खर्चा हो रहा है। सर कंडीशन 1 में उसने कहीं नहीं लिखा कि जो पैसिव इनकम इंडिया में है वो टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। उसने बोला पैसिव इनकम बस, मतलब पैसिव इनकम चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, वो सारी पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ऊपर ना हो। सर लोगों को पढ़ने का तरीका होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, गलतियां करोगे बहुत सारी, मुझे नहीं पता, मुझे कई बार डर लगता है कि पता नहीं बच्चा क्या करके आएगा एग्जाम में, तो प्लीज ये बात ध्यान देना। आप सारी पैसिव इनकम जोड़ो फटाफट से, 5, 2, 7 और 5, 12, 4, 16, 5, 21 और 10, 31 पैसिव इनकम आ गई 31 लाख की, और टोटल इनकम कितनी बन गई 30 और ये 10, ये भी जुड़ेगी 30, 10, 40 और 31, 71। अब देखो 71 में से 31 पैसिव इनकम टोटल आ रही है, तो भैया 50% से ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि 50% कितना बनता है 35 पॉइंट समथिंग बनता होगा, तो ये तो 31 है ना, तो भैया 50% या उससे कम है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% ज्यादा नहीं है। सेकेंड कंडीशन, आपकी एसेट्स जो इंडिया में है वो टोटल कितना बन गया 100, उसके 50% से कम ही है, यस। आपके एम्प्लॉई 100 हैं, 50% से कम इंडिया में है, यस। और जो आपका इन पर होने वाला खर्चा है, यहाँ पर चेक करो खर्चा यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है ना, अब उस पर टोटल यहाँ पर है 5, टोटल कितना हो गया 8, तो भैया 50% से कम है, क्योंकि 50% कितना बनेगा 4, यहाँ पर 3 है, 50 से कम है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर आ गया, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग बाहर आ गई, पोएम इंडिया से बाहर आ गई, ये क्या बन जाएंगे एनआर, ये एनआर बन जाएंगे, और इसके बेस पे आप टैक्सेबिलिटी निकाल लेना। अब बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर एक बात बता दो भेज रहा हूँ घर, बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट सर एक बात बता दो। मैंने कहा क्या सर, अगर मान लो यहां पर खर्चा 3 लाख की बजाय 5 लाख होता या मान लो 6 लाख होता तो क्या होता? तो मैंने कहा भाई 6 और 5, 11, तो 50% से कम तो खर्चा है ही नहीं, 50% से ज्यादा खर्चा हो रहा है इंडिया में, तो कंडीशन सेटिस्फाइड ना होती। सर अगर कंडीशन सेटिस्फाइड ना होती तो फिर क्या पोयम इंडिया के अंदर मान लेते? मैंने ये कब कहा आपको? मैंने कहा भी था पोयम इंडिया से बाहर मान लेंगे कब, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मैंने ये नहीं कहा पोयम इंडिया में है। तो आपको मैं दिखाता हूं, बस यही 2 मिनट दिखाऊंगा, बस जा रहे हैं, ओ माय गॉड कितने अच्छे बच्चे हैं, इधर देखो बस 2 मिनट देख लो, ये देखो, ए बस ये पढ़ लो एक पॉइंट, ये देखो जी कहाँ पे है, ये रहा देखो, इन केस कंपनी अदर देन दोज आर एंगेज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मतलब जिनका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर नहीं है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, द डिटर्मिनेशन ऑफ पोयम वुड बी एट 2 स्टेज, फिर 2 स्टेज होती है, स्टेज नंबर वन के अंदर लिखा है कि वुड बी आइडेंटिफिकेशन और असर्टेनिंग द पर्सन और पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन ऑफ फॉर कंडक्ट द कंपनी, मतलब कौन सा पर्सन मेन की डिसीजन ले रहा है और वो किस प्लेस से ले रहा है, ये स्टेज 2 है, इसके बेस पर फिर आपको पोयम निकालनी पड़ेगी। और आगे कई सारे देखो इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस फैक्टर दिए हुए हैं, सेल्फ रीडिंग है, एक बार आप कल कहानी की तरह पढ़कर आओगे, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया प्लीज मुझसे पूछ लोगे, जो पोयम के मेन प्रोविजन है मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से आपका पोयम निकलती है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया तो घबराना मत, एक बार घर रह के फिर पढ़ना, ठीक है, एक बार घर रह के फिर पढ़ना, क्वेश्चन जो पीछे दिया वो पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन फिर पढ़ लेना, अगली क्लास में आते ही पहले पोयम के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर दोबारा से आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स लूंगा, ठीक है री, और कोशिश करूंगा ये आज का सेशन अगर मैं YouTube पे डाल सका, वैसे मैं डाल दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे नहीं पता होगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे डालना है, चाहे वो डिसलाइक करें लाइक करें, अब मैं मतलब होता है सर, मतलब कई बार दिल दुखता है, बट आप मतलब चलो ठीक है मुझे डालना है, उन बच्चों की हेल्प भी करनी है और आपकी भी हेल्प करनी है कि अगर आपका मान लो नहीं समझ में आता आप भी वहाँ जाके एक बार पढ़ सकते हो, बट आप पहले मुझसे पूछोगे क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए मेरे पास आ रहे हो, वो तो बच्चे बेचारे मेरे पास नहीं आ सकते ना, आप तो मेरे पास आ ही रहे हो तो आप मेरा फायदा पूरा उठा लो, ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस एक बार यही पढ़ के आना जी, ठीक है जी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके पूरा, फिर डिविडेंड की टैक्सेशन और गिफ्ट की टैक्सेशन ये कंपनी से रिलेटेड है वो भी हमें करना है, ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम
सेम जगह, ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।